स्कूलों में किताबों से लेकर यूनिफॉर्म तक कमीशनखोरी का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। वही जिम्मेदार अधिकारी इस लूटमार पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब पेरेंट्स को बच्चों को बेहतर शिक्षा के नाम पर लूटना ही है, तो फिर आयोग और प्रशासन को किस बात के लिए तैनात किया गया है। हर साल स्कूलों में चेंज होते सिलेबस और एक विशेष दुकान से यूनिफॉर्म और किताब खरीदने का दबाव बनाते स्कूल मैनेजमेंट, ये खेल धीरे धीरे अब एक बड़ा धंधा बनते जा रहा है। ऐसा धंधा जहां पेरेंट्स के कर्तव्य बोध का फायदा उठाने के लिए स्कूल की शक्ल में बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई है, जिनके सामने अब अभिभावक पूरी तरह से बेबस हो चले हैं। तो आप हर साल नई बुकें लेते हैं? हर साल नहीं लेने पड़ते। तो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में? नहीं, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाते हैं। और कोई किताबों के लिए जगह भी निर्धारित करके कि इसी दुकान से लेना है? नहीं, अब एमपी नगर में बताया था, एमपी नगर में। तो हर साल जो किताबें बदलती है, आप ये सोचते हैं कि क्यों बदल रही है या फिर नहीं बदलनी चाहिए? तो नहीं बना तो अच्छा ही है ना। पहले पुरानी किताब से हो जाता था, लेकिन अब किताब भी पुरानी उस कंडीशन में रहती है। लेकिन ये कि हाँ, यहाँ से किताब लेने के लिए बोला गया है, बुक से लेने तो बुक से लेते हैं। शासन और प्रशासन की मिलीभगत के बिना करोड़ों रुपए का ये गोरख धंधा चलाना मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है कि स्कूलों को जैसे खुलेआम लूटने की छूट दे दी गई है। देखिए, इंडिया फर्स्ट ने इस चीज को प्रमुखता से उठाया था और उसी तारतम्य में आज हम लोग भोपाल कलेक्टर से मिलने गए। पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तो एक कमेटी निर्धारित की गई थी माननीय विजय शाह जी के द्वारा। वो कमेटी इसी चीज़ पे देखरेख करती थी कि बच्चों की जो स्कूल फीस है उसमें 5% से ज़्यादा वृद्धि न हो प्रत्येक वर्ष। और उसके साथ ही साथ जब हम लोगों ने माननीय मंत्री से उस टाइम पे जब उनसे हमने मांग की थी, तो ये मांग की थी कि कभी भी जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो एटलीस्ट पेरेंट्स को बाध्य नहीं करें कि आपको प्रिस्क्राइब दुकान से ही सामान लेना है, फिर चाहे वो स्टेशनरी का हो, स्कूल बैग का, और मेंटेनेंस फी के नाम से पैसे हों इन चीज़ों पे, और स्कूल बस और जो ये निरंतर वृद्धि करते हैं पेरेंट्स को बेघर बचा के, तो कहीं ना कहीं एट द एंड जो आखिरी में होता है जो अभिभावक होता है वो पिस जाता है। तो आज हमने कलेक्टर से इस चीज़ की मांग की कि भोपाल शहर में जितने भी निजी स्कूल हैं, जो अपने पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को मजबूर करते हैं कि आपको फलानी दुकान से ही सामान लेना है, आज उसके विरोध में हम माननीय कलेक्टर जी से मिले हैं। और हमने कलेक्टर महोदय को ये भी अवगत कराया, पूर्व में भी हमने कई आंदोलन और इस बात को लेकर मुहिम उठाई है, अगर इस पर इस बार तगड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जानी चाहिए। बदलाव इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि सिलेबस में परिवर्तन हो चुका है, तो मुझे मजबूरी में नई किताबें खरीदनी पड़ेंगी। जब मैं नई किताबें खरीदने जाता हूं तो उनकी कीमतें जब देखता हूं तो वो 480 रुपये की एक किताब है, 320 रुपये की किताब है, और जब मैं उनकी एनसीईआरटी की किताबों से तुलना करता हूं तो कोई भी एनसीईआरटी किताब 100 रुपये से ऊपर नहीं पहुँचती है। तो इतना बड़ा अंतर, और जिला प्रशासन को इसकी खबर ना हो, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्कूलों की इस मनमानी पर नकेल नहीं कसी जा सकती, लेकिन इन्हें रोकने के लिए बनाए गए आयोग बिना दांत के शेर बने हुए हैं, जो इन धंधेबाजों को रोकने में पूरी तरह नाकाम है। हमारे सामने जो शिकायतें आ रही है उसमें कहीं ना कहीं दबाव डालना तरीके से कि भाई यहाँ से ड्रेस लेना है, वहाँ से स्लिप रख दी है, कोई बहाने से किसी तरीके से स्कूल और उसकी मिलीभगत हो सकती है, इस तरह की शिकायत हमारे पास आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर शिक्षा को लेकर एक समान नीति क्यों नहीं बनाई जा सकती? शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए निशुल्क क्यों नहीं कर दी जाती? हम धर्म, जाति, आरक्षण, मुफ्त की रेवड़ियों से ऊपर उठकर बेहतर समाज के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? भोपाल से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता वर्षा श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भाई, घर में अगर उस तरह का कपड़ा खरीद कर अगर माता पिता खुद सिलकर अगर वो यूनिफॉर्म तैयार करते बच्चे को, तो वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं अलाउ की जाती है? सिर्फ इसलिए कि साहब उसमें फलाने जो है दुकान का लोगो नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो लोगो लगा हुआ है वो जो यूनिफॉर्म खरीदे और उसके लिए एवज में 400-500 रुपए ज्यादा दिए जाए। किताब वहीं से खरीदी जाए जहां से निर्धारित की गई है। अगर आपने अपने सीनियर की किताब ले ली पुरानी, तो साहब उसमें हर साल एक नया चैप्टर, एक नई लाइन उसको बदल दी जाती है। ये जो सेंट्रल स्कूल में चल रही है किताबें और ये मिशनरी स्कूल में चल रही है, इसमें फर्क क्यों है? इसमें तीन किताबों से नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों आपको, मैं ऐसे स्कूलों को जानता हूँ जिसमें 16 किताबें चल रही है, जिसमें 4,000-5,000 रुपए के सेट्स आ रहे हैं, 5,000 रुपए के सेट्स आ रहे हैं। आपको पता है क्या मार्केट में? आप बताइए सेंट्रल स्कूल की किताबें कितने रुपए में आती है?
सिलेबस में है। नहीं 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 अभी वो बात नहीं है, वो यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है, यही फ्लेक्सिबिलिटी है। आप भी बताइए, मिशनरी स्कूल की किताबें 5,000 रुपए की क्यों है और सेंट्रल स्कूल की किताबें 350 रुपए की क्यों है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक।